टिल्ट बार के बारे में आज टिल्ट बार को पढ़ेंगे और इवेंट एरियाज को पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, तो इस बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि किस तरह से जो है ये काम करते हैं। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप अपना माइक खोल के बता दीजिएगा मुझे, सही है? तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जो टेल्ड बार होती है ना, टेल्ड बार, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। टेल्ड बार जो होती है ना, वो जो होती है वो एक तरीके से कह लें कि आप यूँ समझ लें कि ये बहुत कुछ बता रही होती है। जैसे टेल्ड बार से क्या मुराद है कि मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ इसका प्रिसाइज एक वो दे रहा हूँ, प्रिसाइज आपको एक वो बता रहा हूँ कि ये किस तरह क्या होती है। बेसिकली ये जो है एक वो बार जो कि पिन बार की तरह तो हो लेकिन पिन बार नहीं हो, तो ये इसकी कोर डेफिनेशन है कि ये पिन बार की तरह तो नहीं हो, मतलब पिन बार की तरह तो हो लेकिन कंप्लीट पिन बार, जैसे कि ये टेल्ड बार है, जैसे कि ये अब पिन बार है लेकिन स्टिल ये टेल्ड बार, इसलिए इसकी जो लिक है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, सही है? ये भी एक इसके अंदर एक्सेप्शन है। इसके अलावा ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, सही है? तो इस तरह से टेल्ड बार का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। बेरिश टेल्ड बार और बुलिश टेल्ड बार जो होता है वो सेम एक जैसे ही होता है, सही है? लेकिन ये जो जब ये मार्केट बनाती है तो हमें इसका सर्टेन डाटा काम आता है। किस तरह काम आता है कि हमें इस बात का पता चलता है कि मार्केट जो है वो जो है ना किस तरीके से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट करती है, और रिजेक्ट करने के बाद मार्केट किस तरीके से जो है ना वो इसको जो है ना फॉल्स ब्रेक, या वैसे भी फॉल्स ब्रेक ना भी करे तो रिजेक्शन का पता चलता है। तो इसी तरीके से ये हमें ये बता रहा है कि ये प्रेशर जो है, मोमेंटम जो है वो डाउन साइड का ज्यादा बना हुआ है, जैसे कि ये, 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 जैसे, लेकिन हर टेल्ड बार के ऊपर आप एंट्री नहीं ले सकते, जैसे हर इनसाइड बार के ऊपर आप एंट्री नहीं ले सकते, इसी तरह से हर टेल्ड बार के ऊपर भी एंट्री नहीं ले सकते। जो आपको टेल्ड बार इसके साथ नजर आएगी अपना, अल्लाह भला करे कि जो टेल्ड बार आपको कह लो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में नजर आएगी या रिवर्सल के बाद, अब जैसे यहाँ पे लोअर लो बन गया, क्लू आया आपके पास, लोअर लो बना है, लोअर लो के बाद मार्केट सिग्निफिकेंट थोड़ा हाई गई है जिससे पता चलता है कि ये लोअर हाई है, तो यहाँ पे ये टेल्ड बार बन रही है, तो अब पता चल रहा है, बकायदा पता चल रहा है कि ये जो है मार्केट टेल्ड बार के साथ टेल्ड बार बना रही है, और ये बताइए कि मोमेंटम डाउन साइड का ही लगता है ज्यादातर, सही है? क्योंकि इसकी रिजेक्शन हमें ये बात बता रही है, जो पिन बार के अंदर भी सेम जो साइकोलॉजी होती है पिन बार की के बैकग्राउंड में, वही टेल्ड बार के बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो ये सारी जो टेल्ड बार्स हैं कि हमें ये बता दी कि मार्केट जो है वो डाउन जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसके ऊपर भी जो है बिल्कुल वैसे ही एंट्री ली जाती है, कॉमन सेंस की बात है, जिस तरह से हम जो है पिन बार पे एंट्रीज लेते हैं, सेम तरीका वही है। मैं इसकी एंट्रीज और स्टॉप लॉसेस वगैरह पे नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टिल आप मैं आपको बताना चाहिए चाह रहा हूं कि देखें टेल्ड बार होती क्या है, सही है? टेल्ड बार को इंटरप्रेट करने का मकसद ये है कि आप ट्रेड ना लो, हर टेल्ड बार या ट्रेड बार जो है वो जरूरी नहीं है कि ट्रेड करने के लिए हो। ट्रेड बार आपको बहुत सारी मैसिव इन्फॉर्मेशन देती है आपके चार्ट के ऊपर, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन स्टिल ये जो आपको ट्रेड बार नजर आ रही है ये बेसिकली ये सारी यही बता रही है कि मार्केट जो है डाउन टर्म मोमेंटम ज्यादा है, सही है? तो ये होती है आपकी ट्रेड बार, सही है? इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये टेल्ड बार है, सही है? दिस बुलिश टेल्ड बार्स आर इन लाइन विद द रीसेंट बुलिश मोमेंटम एंड कुड बी एज द बाय सिग्नल सिंस दे आर एट 821 डे सीएमए सपोर्ट लेयर एंड हैव द वेट ऑफ द फ्रेश अप ट्रेंड। अब जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है ट्रेंड, वो यहाँ पे सारी बातें क्रॉस ओवर हो गया, आपके पास एक वो आ गया, एक मोमेंटम, एक जो है आपके पास क्लू आ गया,
देखिए मोमेंटम अब बुलिश होने वाला है या हो जाएगा, तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो और हायर लो पे ये ट्रेड बार बनी है जो कि आपको बाय का सिग्नल दे रही है। लेकिन एक बात याद रहे कि हर बार ट्रेड बार नहीं होती, सही है, हर बार ट्रेड बार नहीं होती और हर बार हर ट्रेड बार पे आपका अल्लाह भला करे हर ट्रेड बार के ऊपर जो है ना वो ट्रेड की नहीं जाती, सही है। तो लेकिन जहाँ पे हमारे ऑड्स सारे मुकम्मल हो रहे हो, जहाँ पे हमारे कॉन्फिडेंसेस सारे एक पॉइंट पर आके मिल रहे हो, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये एनजेडी जेपीवाई का चार्ट है, सही है। अब ये यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो टेल बार बनती जा रही है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं था, लेकिन टेल बार जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज करने होने से पहले बनी है, तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट अब ऊपर जाके जो है हो सकता है कि अब बुलिश ट्रेंड के अंदर जाए। तो देखो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो ये टेल बार ये हमें बता रही है कि अब मार्केट आगे जाके हमारी वो बुलिश हो जाएगी, तो ऐसे भी इंटरप्रेट किया जाता है इसको, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको आएगा, एकदम झट से नहीं आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आएगा। बताने का मकसद ये है कि ये सारे ट्रेड बार हमें ये बता रही है कि जिस तरह से ये तीन चार एक साथ बनी है, ये बता रही है कि माइट भी अप ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट हुआ और जो कि हो भी चुका, क्रॉस ओवर से पहले यहाँ पर आया है, क्रॉस ओवर से पहले यहाँ पे ट्रेड बार आए हैं, सही है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ट्रेड बार जो होती है हमें आने वाले डेटे के बारे में पहले से बता देती है, मतलब ये इसकी प्रिडिक्शन भी हो सकती है, कह लो कि आप मार्केट का प्रिडिक्शन भी कर सकते हो इसके थ्रू, सही है, या इंटरप्रेट भी कर सकते हो। ये लॉन्ग टेल रिवर्सल बार बनी है, इसके साथ ये फेकी सेटअप भी बना, सही, लेकिन ये लॉन्ग टेल रिवर्सल बार है, नोट द लॉन्ग लोअर टेल, दिस वाज अ बाय सिग्नल, ये बाय सिग्नल था, सही। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अब ये देखो यूरो यूएसडी, ये टेल्ड बार बता रहा है, ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, सही है। ये आपकी जो है ये एक तरीके से टेल्ड बार है जो कि आपको ये बता रही है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, ये वाली भी टेल्ड बार है बेसिकली, ये भी टेल्ड बार है। बताने का मकसद ये कि बहुत सारी ऐसी टेल्ड बार है जो रिवर्सल में भी आपको मिलेगी, जैसे कि ये मिल रही है, ये मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका टेल्ड बार। अब मुझे आप ये बताओ टेल्ड बार आपको समझ में आया है, या कुछ इसकी रियल एग्जांपल्स भी दिखाऊं, आप जैसे सोचो सर, रियल एग्जांपल हो जाए तो बेहतर है, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पिन बार ही है। ये पिन बार होती है, लेकिन पिन बार की तरह होती है, लेकिन पिन बार नहीं होती, बस ये समझ लो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही है कि पिन बार नहीं होगी, लेकिन पिन बार की एक तरीके से हम शक्ल जैसी है, मगर पिन बार कंप्लीट पिन बार नहीं होगी, सही। अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था ट्रेल बार के बारे में ना, आओ देखते हैं ट्रेल बार के बारे में। देखो ये आपके पास जो है एक यूरो यूएसडी का चार्ट सामने खुला हुआ, ठीक है। अब यूरो यूएसडी के चार्ट के सामने आपके अगर आप गौर से देखो तो आपके पास बहुत सारी ट्रेल बार नजर आ रही है, जो कि कह लो कि ये सारी की सारी बेरिश ट्रेल बार है, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रेंड डाउन चल रहा है, सही है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये वाली, जैसे कि ये नजर ही नहीं आ रहा, ये तो जैसे कि ये, ठीक है, ये टेल्ड बार है, सही है,
जैसे कि कह लो ये वाली, ये टेल्ड बार है, ठीक है, ये सबसे बड़ी जाइंट टेल्ड रिवर्सल बार है, या जाइंट रिवर्सल बार भी, जाइंट रिवर्सल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये टेल्ड बार है, ये वाली टेल्ड बार है, सही है, ये टेल्ड बार है बेसिकली, लेकिन ये काम नहीं कर पाई क्योंकि ये अगेंस्ट द वो है, सही है। ये भी टेल्ड बार थी, ये भी टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, ये वाली भी टेल्ड बार है, सही है, ये टेल्ड बार है, सही। तो ये सारी आपको समझ में आ रहा है, अपना क्या नाम है आपका, आतिफ, आपको बात समझ में आ रही है। जी 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 लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर अगेंस्ट द ट्रेंड कोई चीज बनती है, अगेंस्ट द ट्रेंड कोई चीज बनती है, तो जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, ठीक है। ठीक है, अब ये एक बड़ी जबरदस्त टेल्ड बार थी, लेकिन ये नाकाम हो गई, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड जो वो चल रहा था, जो मोमेंटम चल रहा था वो डाउन ट्रेंड का चल रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो मतलब कोई भी मोमेंटम, कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर उसके बीच के खिलाफ, उसके खिलाफ बीच में आ जाना ऐसा है जैसे ट्रेंड के बीच में कोशिश करने के लिए आप आते हैं, सही। तो ट्रेंड के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है, ये आपकी ट्रेड बार है, ठीक है, सही है। ये सारे ट्रेड बार है, ये ट्रेड बार है, सही। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बोला कि आपको बताऊं कि ये सारी की सारी ट्रेड बार है। अच्छा, ये अभी रिसेंट मार्केट में बताऊं तो ये भी ट्रेड बार है, और इसने हमें ये अच्छा मतलब वो दिया है, मतलब एक प्रेडिक्शन दी कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि हर ट्रेड बार के ऊपर जो है ना वो एंट्री नहीं होगी, मतलब मैं ये कहूँगा कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस बार के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है, थर्ड बार के ऊपर ट्रेड करो, और जब ये सारी चीज़ें आ जाए, जब ये सारी चीज़ें आ जाए तो फिर आप उसके बाद जो है ना टेल्ड बार वगैरह को इन तीनों पे पिन बार, शर्ट बार और पेटी सेटअप पे काम करो, और एक एक करके करो, अगर इसको अगर इसके ऊपर डेमो करना, जब डेमो की इजाज़त जी, फिर इसके ऊपर करना, फिर 6-6 महीने इसके ऊपर करना, तो फिर जाके तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर काम किस तरह के, भैया इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। ये होती है आपकी ट्रेड बार, और देखने से जीडीपी से भी बार, ये ट्रेड बार है, इसको हम पिन बार भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रेड बार है, ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, सही। इसके अलावा जो है ये टेल्ड बार थी जो कि फेल हो गई, और इसके अलावा ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये टेल्ड बार है, ये वाली, ये टेल्ड बार है, नीचे की साइड से जो ये टेल्ड बार है, ठीक है, ये टेल्ड बार बहुत ही जो है, लेकिन स्टिल ये टेल्ड बार है, ये सारे पॉइंट हैं इधर, इसको आप कह सकते हो। हाँ, इधर आ जाओ थोड़ा, और थोड़ा और पीछे आ जाओ तो आपको और इसमें पता चलेगा। ये आपकी, ये वाली आपकी बेरिश टेल बार कहलाएगी, सही है, ये आपकी मेरी सेल बार, ये ट्रेड बार कराएगी, ये भी ट्रेड बार है, और इसके अलावा ये भी ट्रेड बार, और इसके अलावा ये ट्रेड बार, ये ट्रेड बार, ये सारी ट्रेड बार है, ठीक, ये भी ट्रेड बार है, इस तरह से ये काम करती है। लेकिन हमें खाली इसको देख के इंटरप्रेट नहीं करना होगा, हमें दूसरी चीज़ें दूसरे एक्सपेंट को मिला के इसको इंटरप्रेट करना होगा, सही है। जैसे कि आपका क्या बोला करे, आपका आपका क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, आपका EMA हो गया, इन सब चीज़ों के सारे एक्सपेंट को मिला के जो है ना वो फिर आप देखते हैं कि ये ट्रेड बार जो होती है ये काम करेगी या नहीं करेगी, सही है। सारी
बताने का मकसद ये कि ये अपने जहन में अपने एक पर्चे में लिख लो कि कभी भी टेल बार को अलोन नहीं देखेंगे, हमेशा टेल बार को जो है दूसरे एक्सपर्ट के साथ देखेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या कोई भी वो चल रहा है या कोई सपोर्ट आ रहा है तो हम उस पर सपोर्ट को देखें, या हम कोई स्टैटिक डायनेमिक या स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में देखें। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये ऑड्स अगर आप उनके साथ मिला के टेल बार को इंटरप्रेट करोगे तो इसके रिजल्ट मिलेगा। सही है। अच्छा, जैसे मैंने कैट जे पी वाई पे किया था और मैंने इसका पता नहीं आपको याद हो नहीं याद, कैट जे पी वाई पे मैंने वो भी किया था या सिग्नल भी किया था। जी बिल्कुल, स्टॉप आउट भी था। नहीं 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 वो तो था, वो स्टॉप आउट वाला तो था, स्टॉप वाला तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्टॉप आउट वाला ये वाला था ना जिसमें बड़ा अच्छा स्टॉप आउट था, कैट वो सी एच एफ जे पी वाई था, वो कैट जे पी वाई मैं कैट जे पी वाई की बात कर रहा हूँ। देखो कैट जे पी वाई के अंदर ना यहाँ पे मैंने एंट्री की थी ये वाले, क्या ये आपको कहीं से पिन बार लग रही है? ये कर्सल नजर आएगा तभी पता चलेगा कहाँ कोई कर्सल आपको। क्या बोल रहे हो? बोली कर्सल नजर नहीं आ रहा कहाँ कोई आप पोजीशन कह रहे हैं। अच्छा, ये टाइम वो है ना अपना टीम वीवर है ना, टीम वीवर के अंदर नजर नहीं आता, एक मिनट रुको बता रहा हूँ। अभी मैंने जो आपको मार्किंग करी वो नजर आ रही थी ना, जो मार्किंग करके दिखा रहा था ये जी ये नजर आ रही थी। आप चलो ट्रेड भी मत लगाओ, आप 21 लगा के चलिए, 21 पे हमारे पास ये वाली एंट्री बन जाए। हमारे पास 21 पे ये एंट्री बनी थी, सही है, ये कहीं से भी आपको पिन पॉइंट नजर आ रही है? नहीं सर, दो बार तो नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी सेल की और ये ट्रेड बार है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि जी बिल्कुल इस तरीके से दूसरे एक्सपर्ट के साथ मिला के इसको ट्रेड किया जाता है। ठीक हो गया, मैंने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने डेट ये पे इसलिए नहीं लगाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा कोई बात हाँ, हमारा जो सपोर्ट बन रहा है मतलब जो डायनेमिक रेजिस्टेंस बन रही है वो ज़्यादा 21 में बड़ी प्यारी नजर आ रही है। सही है, ये भी एक अच्छा सिग्नल था बाय द वे, ये भी बहुत अच्छा सिग्नल था, ये वाला ये भी बहुत अच्छा सिग्नल था। वो पिन बार कह सकते हैं? हाँ वो पिन बार है, वो पिन बार है, लेकिन पिन बार के साथ वो देखोगे वो इनसाइड बार का सेटअप भी है, पिन बार कॉम्बो सेटअप भी है। सही है जी बिल्कुल, पिन बार इनसाइड बार नहीं, इनसाइड बार कॉम्बो, यानी पिन बार इनसाइड बार कॉम्बो सेटअप जी जी, बहुत अच्छा मार्केट देखे गई है। सही है, अगेंस्ट द ट्रेंड देखें, अगेंस्ट द ट्रेंड टेल बार ऐसी होती है जी सर, टेल बार विद ट्रेंड ये होती है, टेल बार विद ट्रेंड ये होती है, टेल बार विद ट्रेंड इसको बोलते हैं, टेल बार विद ट्रेंड इसको बोलते हैं। ठीक है, टेल बार अगेंस्ट द ट्रेंड ये होती है, अगेंस्ट द ट्रेंड। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ मार्केट ने बिल्कुल चेंज कर दिया अपना जो अपना पर्सपेक्टिव, अपना जो वो है ना, अपना जो कहना चाहिए कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है जी, बिल्कुल अभी वो जा रही है मार्केट। सही, ये ट्रेंड के अंदर जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रेडर मिलेगी, ये आपकी ट्रेंड, ये आपका ट्रेड बार है, ये भी ट्रेड बार है, ये भी ये वाली ये सारी गलत है क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है, एक तरफ देखा जाए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है काउंटर ट्रेंड में ये भी होगा, लेकिन अगर आप जो अगेंस्ट द ट्रेंड देखो तो ये अभी जिस साइज की बनी है और जिस तरीके से बनी है और इसके ऊपर कोई क्रॉस ओवर भी यहाँ कहीं हो रहा हो, लेट्स सी हम करके देखते हैं इसको। मूविंग एवरेज हम लगाएंगे टी फॉरेस्ट के सील लगाएंगे, ये देखो बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है जी जी बिल्कुल, जो कि एक तरीके से एंगलफिंग भी है, लेकिन स्टिल अगर आप इसमें और ज़रा एक्सपेक्ट करते हो तो ये देखो ये वाली ये इस एरिया को भी तोड़ा है जी जी।
मतलब बहुत बहुत ही ऑब्वियस रेंज थी ये, बहुत ऑब्वियस रेंज थी और बहुत प्यारा सेक्शन यहाँ पर टेल्ड बार बन गया, ये टेल्ड बार है, ये टेल्ड बार है, सही है। तो ये ब्राइटेशन जो होती है ना वो एक मेथड है, ब्राइटेशन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अब मैंने यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, मैंने ब्राइटेशन को इंटरप्रेट किया, सही है। और इतनी खूबसूरत इसकी हालत है, इतना आइडियल, इतना गैट जेट जो है इतना आइडियल है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये ट्रेन की आइडियल कंडीशन, ये जो है ये ट्रेन की आइडियल कंडीशन, जो ट्रेन चलता हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, बहुत ही प्यारी कंडीशन, बहुत ही अच्छी कंडीशन। ऐसे ट्रेन के अंदर हमें ट्रेड करते हुए डरना नहीं चाहिए, ऐसे ट्रेन पर ट्रेड करनी चाहिए। समझे? जी जी बिल्कुल। अब इस ट्रेन के अंदर चांसेस है कि ये और ऊपर जाएगा, इसके अंदर चांसेस है, ठीक है, ये और ऊपर जाएगा। इस बार का सिग्नल भी बना हुआ है, ये और ऊपर, मतलब यहाँ से मजीद और ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ से और ऊपर, सही। आप बात समझ पाए? जी जी बिल्कुल। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। सब टाइम्स ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है वो रिसेंट मार्केट जो है वो भी आपको टेल बार न शो कर रही होती है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपके लिए। सब साथ ही है ये भी टेल बार है, मेरे ग्रुप में एक बंदे ने यहाँ पे सेल की एंट्री, लेकिन स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मार्केट, मैं क्या समझ सकता हूँ कि मार्केट जो है ना यहाँ सही नहीं कर रही, मार्केट यहाँ पे बेंडिंग कर रही है ये अभी। जी बिल्कुल। ये जो है हो सकता है कि मार्केट आके जाके इसको क्रॉस कर जाए, तो ये बड़ा जी डाइवर्जेंस कम हो रही है। हाँ, डाइवर्जेंस के बजाय कन्वर्जेंस हो रही है, सही है। तो कन्वर्जेंस जरा बेंडिंग जब होती है तो ज़रा डरने की बात है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए और फिर यहाँ से नीचे लोअर लो बन, हायर लो बना के मार्केट मसीह ऊपर जाए, फिर इसको लेके मार्केट और हो सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने, आप लोगों को पता होगा मैंने बताया था कि बड़ा ज़बरदस्त फेकिंग सेटअप बना था, लेकिन स्टिल मैंने बताया था आप लोगों को उसके अंदर कि ये रिस्की हो सकता है। अगर आप मेरा वो वीकली एनालिसिस देखो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये फेकिंग सेटअप था ये वाला, लेकिन ये ट्रेंड के साथ होते हुए भी ये नाकाम हो गया, क्योंकि इसके नीचे जो थी वो नाकाम ये क्यों हुआ, इसके नीचे जो थी वो सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि देखो इसकी एक ये मिसाल है कि ये देखो ये यहाँ खड़ा हुआ है, सही है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि ये 7499 पर आए, 7489 या 7490 पर आए, और यहाँ से फिर आपको फुल बैक के ऊपर इस एरिया के ऊपर जो है ना आपको फुल बैक मिलेगा यहाँ, और यहाँ से अगर कोई सिग्नल मिलता है तो ये फिर ऊपर जाए, ये ड्यूस ही जाए, सही है। लेकिन इससे अभी मैं बिल्कुल भी इस पर कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब मार्केट कुछ भी कर सकती है। और एक जो बात मुझे समझ में आई है वो अगर आप ट्रेंडी अगर ट्रेंड को देख के बात करो तो H1 जरा खोल के देखो, तो ये देखो क्या चल रहा है, ये जो है ना यहाँ पे ये आपका जो है ना लास्ट लोअर हाई ये था ये वाला, और मार्केट ने इसको तोड़ा है इधर से। जी बिल्कुल। और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई है और ये इससे नहीं है, मतलब ये इक्वल, ये लोअर हाई, ओवर लो, लोअर हाई, मतलब ओवरऑल अगर आप शॉर्ट से देखो तो लोअर हाई यहाँ पर भी एक बना था ये वाला, ठीक है। और मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने डायरेक्ट फिर ये लोअर हाई, ये हायर हाई बना, और हायर हाई के बाद एक और हायर हाई, हायर हाई के बाद फिर एक हायर लो, और अब मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर जाएगी, सही है। तो ये जिन लोगों ने यहाँ पे ली भी है ट्रेड उनका ऐसे लेट होने के चांसेस ज़्यादा है, सही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर हम जल्दी से देख लेते हैं ट्रेड बार कौन सी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप अभी बिल्कुल लेटेस्ट का चार्ट देखो
लेटेस्ट के अंदर आपका ट्रेड वार ये सब ट्रेड वार है जो कि आपकी आपकी आपके डायरेक्शन में काम किया है। ये ट्रेड वार अगेंस्ट द में इसीलिए ये फेल हुआ, सही। और ये ट्रेड वार थी, ये ट्रेड वार है, ये एक तरह से ट्रेड वार है, ये ट्रेड वार एक तरीके से भाई जब ये पूरा फेकी सेटअप है, ये भी एक फेकी सेटअप है, लेकिन स्टिल हमने इसको नहीं करा क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। हाँ मुझे खूबसूरत बात ये लग रही है कि ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल मैंने इसके ऊपर ट्रेड नहीं की क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं करता। क्या बोल रहे हो? इसलिए छोड़ी। हाँ अब यहाँ पे मार्केट जो है वो चौकी, मतलब मार्केट जो है वो चौकी नहीं कहेंगे, रेंजिंग मार्केट। अब इसके अंदर जो है ट्रेड बार देखना बेकार है क्योंकि मार्केट वैसे ही जो है वो चौकी है, सही है। ऐसी मार्केट के अंदर मत देखना ज्यादा बेकार, मार्केट मतलब साइड वे है यहाँ पे। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने से पहले बता दिया कि मेरा क्या, जैसे कि ये पहले ऊपर जाने से पहले बता दिया कि इंटरप्रेट कर रहे हो क्योंकि आगे जाएगा मार्केट ऊपर। ये हो गया, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये ले लो आप, ये ले लो आप, ये सारी ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी और डेढ़ बार। समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि रिटेस्ट और फुल बैक ये आपको पता है या मैं आपको समझा? सर रीटेस्ट और पुल बैक, रीटेस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर मैं कहूँ तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा उसको टेस्ट करके अगर फॉर एग्जांपल सपोर्ट को तोड़ा है तो उसको रेजिस्टेंस बनवाए। मतलब इसका यही मकसद होता है, जैसे ये मार्केट जा रही है, सही है, हाँ जी। ये मार्केट नीचे गई और इस तरह से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे हाँ आई, तो इसको हम कहेंगे इस एरिया को जब ये टेस्ट करेगी इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी अपना। जी जी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। अब मार्केट ने यहाँ पे इसको वो करा तो इसके तीन नाम है, इसको रिटेस्ट भी कर सकते हैं, इसको पुल बैक भी कह सकते हैं और इसको जो है ना थ्रो बैक भी कहते हैं, कुछ लोग इसको थ्रो बैक भी कहते हैं। ये बहुत कम लोगों को सुना होगा, लेकिन ज्यादा रिटेस्ट और फुल बैक सुनते हो, सही। और जब ये फुल बैक करती है तो फिर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, ये कंजर्वेटिव एंट्री है, सही। तो ये फिर हमारे फेवर में जाता है, इसको बोला जाता है ये सारे नाम यूज। अच्छा ब्रेकआउट क्या चीज है? ब्रेकआउट सर एक फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हम पार्ट है तो एक उसी अपना जो सेटअप है हमारा मे बी वो कंसोलिडेशन रेंज हो सकती है या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसको जो ब्रेक करना। हाँ ये कह सकते हो, बिल्कुल सर कह सकते हो। हेलो आपकी आवाज गुम हो गई। हेलो 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 नहीं सर आ रही है। अच्छा देखो मेरी बात सुन, आ रही है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये होता ही है ब्रेकआउट जो होता है जैसे ये मार्केट आपको चल रही है, ठीक है। अब मार्केट जो है ना वो अब जैसे दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है,
अब क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे अगर अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ब्रेकआउट कर तो अब तुम मुझे ये बताओ ब्रेकआउट किस चीज को मानोगे आप, मतलब इतनी सी कैंडल, इतनी ज्यादा कैंडल ऊपर हो या मार्केट जो है इस तरह से नहीं करे, मार्केट इतनी कैंडल ऊपर रखे और नीचे इतनी ज्यादा नीचे से बंद हो, इस तरह से क्लोज हो? नहीं सर, ब्रेकआउट ये है कि मेरे लिए अगर फॉर मी मैं ये सोचता हूँ तो ब्रेकआउट करने का मार्केट का क्लोज ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल 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 सब शाबाश। ऐसे अगर अगर मार्केट नीचे क्लोज होगी तो फिर तो मार्केट ने रिजेक्शन कर देना उस रेजिस्टेंस एरिया की। लेकिन 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 सम टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट इस तरह से बंद होती है, मतलब मार्केट बीच में आ रही होती है, ठीक है, तो उसको हम नहीं लेते कभी भी, सही है। हम ब्रेकआउट को ब्रेकआउट कहते हैं, हम जब ब्रेकआउट को ब्रेकआउट कहते हैं जब मार्केट इस तरीके से या तो 80% से ज्यादा मार्केट ऊपर जाके बंद हो, अगर ये इन केस ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट अपने जो ब्रेकअप है ब्रेकआउट है वो अपना 80% से ज्यादा कैंडल ऊपर बंद करे उस रेजिस्टेंस लेवल से, तो फिर ये कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट। अगर मार्केट ने अपना 50% या 40% या 60-70% जो है मार्केट ने अपना क्लोज किया है ऊपर जैसे ऐसे, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके फिर ये होगा कि ज़्यादा कोशिश करो कि इसकी नेक्स्ट कैंडल को देखो कि क्या करती है, लेकिन क्लोज तकरीबन 70-80% क्लोज जो है ना वो मार्केट का जो है ना रेजिस्टेंस से ऊपर होगा। ठीक हो गया, समझ गए? जी जी। अच्छा एक और बात याद रखनी है आपको, एक और बात ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो पुलबैक होते हैं या ये जो रिटेस्ट होते हैं ये दोनों चीज के हो सकते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे ये ट्रेंड लाइन के भी हो सकते हैं और ये जिसको हम डायगोनल लेवल कहते हैं, यह हमारा डायगोनल लेवल है, डायगोनल कहते हैं, डायगोनल हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल को नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे डायगोनल सपोर्टेड रेजिस्टेंस। तो अब इसमें अगर मैं कहूँ कि रिटेस्ट कैसे होगा, रिटेस्ट रिटेस्ट इस तरह से होगा कि मार्केट यू जा रही है, मार्केट यू गई मिसाल के तौर पर मार्केट यू गई, फिर मार्केट ऐसा ब्रेकआउट करे और फिर अब जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगी तो ये ट्रेंड लाइन या डायगोनल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है उसका रिटेस्ट है और अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी अपने ध्यान में रखनी कि इसका किस तरह से ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट इस तरह से होगा, ओके। और इसी तरीके से इसका जो ब्रेकआउट होता है वो भी इसी तरीके से होता है, सीधा ऊपर गई, अब यहाँ पे रिटेस्ट होगा मतलब ब्रेकआउट इधर, और इसका भी वही है कि जो इसका वो होना चाहिए, जो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए वो 80% ऊपर बन, ठीक है, सही है, बात समझ आएगा। ये पुल बैक और ब्रेकआउट की बेसिक है। अब हमारे पास आते हैं इवेंट एरिया, अब जरा अपना माइक जरा बंद करो, अगर कुछ सवाल हो तो सवाल करना, माइक जरा बंद करो, मैं माइक बंद करूं। देखो इवेंट एरिया सिंपल है, बहुत ही सिंपल। होता क्या है इवेंट एरिया, ये होता है कि मार्केट के अंदर जो है ना आप देखोगे मार्केट के अंदर जो है ना कोई बहुत बड़ा एरिया या तो टूटा हो या बहुत बड़े एरिया का पहले कभी वहां से बहुत बड़ी मूव हुई हो, यानी टूटने का मतलब है ब्रेकआउट, या ऐसे एरिया के ऊपर बहुत बड़ी पहले मूव हो चुकी हो तो उस एरिया को बोला जाता है इवेंट एरिया। इवेंट एरिया इतना सिंपल है, सही है, जैसे कि जस्ट लाइक दिस के मार्केट इधर आई, मार्केट यहाँ से शूट बैक डाउन कर गई, सही है। अब जब कभी भी मार्केट इधर आएगी ना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ जब कभी भी मार्केट इधर आएगी, यूँ इसको नीचे होते हुए ऊपर होते हुए ऐसे करते हुए आएगी, तो अब यहाँ पे आपका सिग्नल अगर सेल का बनता है तो बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट एरिया पहले से प्रूव कर चुका है कि मैं इवेंट एरिया हूँ, क्यों इवेंट एरिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो मूव आई है ना ये बहुत ही बड़ी मूव है, मतलब एक सिग्निफिकेंट मूव है जिसकी वजह से ये इवेंट एरिया अपने आप को प्रूव कर चुका है, और इस पे अगर दोबारा कोई
सिग्नल कोई पिन बार कोई फेकी सेटअप या कोई इनसाइड बार बनता है तो उसके बाद जो है वो आप जो है इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, सही है। और ये जो होती है ये मतलब ट्रेंड के साथ ही जारी बात है, ट्रेंड के साथ लोगे होगी तभी लोगे, तो जब भी ये बनेगी ट्रेंड के साथ तो आपकी एक अच्छी ट्रेड आपको नजर आएगी कि एक अच्छी ट्रेड फॉर्म आउट फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगी, सही है। अच्छा अगर कहीं पे इवेंट एरिया का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि ये भी इवेंट एरिया कहलाता है, जैसे कि मार्केट गई यूं, ये मार्केट ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे, फिर यूं इसका इस ये जैसे समझ लो ये बहुत ही बड़ा की रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है तो इसका मतलब है कि मार्केट जरूर इसको रिटेस्ट करने आएगी, और ये फिर क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत ही की रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल था, तो ये जब ब्रेकआउट हुआ है तो अब यहाँ से बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा आपको ऊपर जाने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आई? आतिफ मेरी बात समझ में आई आपको? जी 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 सर। तो इसी चीज को इवेंट एरिया कहते हैं, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, सही है। अभी हम अगर हम देखें इवेंट एरिया के ऊपर, जैसे ये देखो ये तुम्हारे को चार्ट ही बता देगा ये इवेंट एरिया क्या होता है। ये इवेंट एरिया देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे इसने जो है वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लेके मार्केट को डाउन भेज दिया, सही है। तो ये होता है इवेंट एरिया, इसकी कोई देख लो इसकी कोई अच्छी। अब ये देखो इसके अंदर एग्जांपल दे रहे हैं, ये इवेंट एरिया देखो यहाँ से, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है ना लार्ज डेकलाइन लिखा हुआ है, जब इवेंट एरिया इनिशिएटेड बाय लार्ज डेकलाइन फ्रॉम 1.6660, तो मतलब यहाँ से एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मूव ली है 250 से 350। तो ये जो है ये आपका इवेंट एरिया है। अब मार्केट जब भी इसके, अब देखो ना जैसे यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने जो सिग्नल बनाया उस हिसाब से ये मार्केट का जो है इवेंट एरिया कहलाएगा। बात समझ में आई? इवेंट एरिया के ऊपर ही परफेक्ट जो पिन बार बनी। जी जी सर। ये तरीका होता है इसका, मतलब ये तरीका होता है इसको देखने का। ये देखो ये मूव इसका, ये जो मूव है इसका फ्रॉम 104 to 97.7, ये बता चुका है कि मार्केट इवेंट एरिया है। अब जब मार्केट दोबारा आई तो मार्केट ने दोबारा यहाँ पे तीन बार रिवर्सल बनाया, जो कि इवेंट एरिया था और मार्केट यहाँ से डाउन गया था, सही है। इवेंट एरिया के ऊपर ब्लाइंड एंट्रीज भी होती है, इवेंट एरिया के ऊपर ब्लाइंड एंट्रीज भी होती है। ब्लाइंड एंट्री जब ली जाती है जब आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाए, सही है। अब ये यहाँ पे पिन बार बना है क्योंकि ये पहली दफा बना है, और पहली दफा इतनी छूट होती है तो इसी वजह से ये पिन बार इवेंट एरिया का लाया। अब ये नेक्स्ट जब बना है तो ये इवेंट एरिया के ऊपर बना है, तो अब यहाँ से टेल बार के ऊपर सिग्नल ले सकते हो। इसी तरह से पोटेंशियल ब्लाइंड सेल एंट्री यहाँ बन रही है, जबकि यहाँ कोई बड़ी पिन बार नहीं बनी है, ये ब्लाइंड एंट्री। इस तरह यहाँ पे पिन बार सेल सिग्नल बना है इवेंट एरिया में, ये भी आपका ब्लाइंड एंट्री है। ये ब्लाइंड एंट्री नहीं है, ये ब्लाइंड एंट्री है, ये सेल सिग्नल वाली ब्लाइंड पिन बार सेल सिग्नल ब्लाइंड एंट्री है। ये DJ30 का चार्ट है, मतलब डो जोंस का इवेंट एरिया यहाँ बन रहा है और इवेंट एरिया यहाँ पर भी बन रहा है। अब ये देखो यहाँ से भी ब्लाइंड एंट्री नहीं है, यहाँ से भी ब्लाइंड एंट्री। समझ गए जी सर। जैसे कि मुझे एक याद चार्ट याद आ रहा है USDCHF का। USDCHF देख लेते हैं। डे वन के ऊपर हाँ बोलो।
इसमें सर ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल अब है तो अगेंस्ट अगेंस्ट द ट्रेंड ही आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ से जो एक ऑलमोस्ट ये 1.011 के ऊपर ये हम कह सकते हैं नीचे 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 1.1 हाँ जी 0.011 हाँ बोले, ये हम इवेंट एरिया कह सकते हैं इसको। ये अगर आप देखो तो ये यहाँ से इवेंट एरिया है, यहाँ से इवेंट एरिया है, मतलब ये एरिया जो है ये एरिया इवेंट एरिया। जी जी यही बोल रहा हूँ मैं, ये एरिया की। हाँ ये बिल्कुल सही है। रिगार्डलेस ऑफ द पास स्विंग्स, ये जो रिसेंट मार्केट है ये बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। बल्कि यही नहीं, ये भी इवेंट एरिया है, ये भी इवेंट एरिया है जी सर। भी नीचे से अब यहाँ पर रीजन जो लगा रहा है, ये तीसरी दफा बाउंस बैक करके गया है यहाँ से, तीसरी दफा, अब तीसरी दफा यहाँ पर टेस्ट करने आ रहा है इसको। बहुत ही जबरदस्त वैसे बाय द वे सेल दी है इसने जी, और बहुत, लेकिन है थी अगेंस्ट द ट्रेंड, मैंने परसों पकड़ी हुई थी, परसों नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले। अच्छा लेकिन आपको एक बात पता है कि मैंने आपको मना किया हुआ है कि अभी कोई भी ट्रेडिंग नहीं। सर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे दो साथी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग जो है करते हैं वो प्रॉपरली। अच्छा, उन्होंने स्टडी वगैरह उन्होंने मुझसे पहले की हुई है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्राइस सेक्शन के ऊपर कुमार नहीं है। अच्छा, तो उनको भी साथ ले आते, वो भी सीख लेते। मैंने कहा था, लेकिन वो हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ जी, वो नहीं मानते, वो मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जिनका अपना टेक्निकल नहीं होता है, मतलब वो रेंज रेंज पे खेलने वाले बंदे हैं। तो बाय द वे रेंज की भी ट्रेडिंग होती है, रेंज ऐसा नहीं होता कि रेंज की ट्रेडिंग नहीं होती, बाय द वे रेंज की ट्रेडिंग भी होती है। अगर वो सिर्फ अगर अगर उनको उनका एज रेंज के अंदर मिल गया है तो इसमें मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि रेंज की मार्केट भी भाई ट्रेडेबल होती है, किसने कहा नहीं। जी जी बिल्कुल भाई, रेंज की मार्केट अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए और रेंज की मार्केट के अंदर अगर आपको खेलना आ जाए तो आपको फिर ट्रेंड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेंज ही आपको बहुत कुछ दे जाती है। तो अलग है कि अगर कोई गैम्बलिंग कर रहा है तो फिर वो एक अलग बात है। यही बात करने वाले हैं, बस गैम्बलिंग वाला काम है। अच्छा खैर, तुमने ये चार्ट खुलवाया है, इसके अंदर टेल्ड बार बड़ी प्यारी बनी है, ये वाली टेल्ड बार, ये बहुत अच्छी है, और ये बाय द वे 50% के साथ जी सर, बहुत अच्छी एंट्री थी। और इसकी जो प्रॉपर एंट्री अगर आप देखो, अगर इसकी प्रॉपर एंट्री देखनी है तो लोअर लोज पे लोअर हाई कर रहे हैं, तो ये एंट्री जो थी ना, ये वाली, ये छोटे वाली, ये सर जरा कलर से या बॉल पेन से हाईलाइट, पेंसिल से हाईलाइट, क्योंकि टीम व्यूअर को नजर नहीं आता। टेल बार तो समझ गए ना। जी 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 बिल्कुल, देखो मैं पहले इस एंट्री की बात कर रहा था, ये एंट्री तो बहुत प्यारी है। जी जी, ये समझ लगी थोड़ी, ये वाली भी बन सकती है, बिल्कुल सही, ये दोजी टाइम है, लेकिन स्टिल मैं ले लेता, इससे प्लान एंट्री भी ले लेता। जी जी, ये पीछे से जो ट्रेंड आ रहा है वो डाउन है। जब भी यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा ना, हमेशा याद रखना है, कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान, जब भी यूरो यूएसडी जो है ऊपर जाएगा ना तो यूएसडी सीएचएफ जो है पानी की तरह नीचे गिरेगा। जी सर, और आज बड़ा अच्छे तरीके से गिरा। हाँ, ये ऊपर गए तो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा खासा यूएसडी सीएचएफ नीचे गिर गया। जी सर, एक ही दिन के अंदर जो है वो 113 फुट के बहुत ज्यादा हो गया। जी जी, कैसे तौर पे ऐसी कोई बनी होगी कोई थर्ड बार वगैरह? हाँ ये देखो, ये थर्ड बार बनी थी ना, ये बड़ा बड़ा प्यारा सेटअप था, इसमें भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा कब लेते हैं जब आपको 100% मतलब 4 आवर पे मैं नहीं करता रिकमेंड इंसर्ट बार को, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा हो, मतलब एक आपके आपके पास एक छोटा टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी, आपको पता हो कि यार कोई ईएमए वगैरह काम कर रही है,
मिसाल के तौर पर मेरी बात, ये कुछ तरीके ना आपको अपने माइंड से भी बनाने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है जी जी, ये जी, जी आपको जो है वो मतलब जो आपका वो है ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी है वो आपके अंदर है, तो थोड़ा अपना माइंड भी इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन कर लो, ब्लैक कर लो, चलो भैया यहाँ तो यहाँ तो फ्लैट है, मैंने आपको बताया था ईएमए अगर रेंजिंग मार्केट के दरमियान हो तो ये फ्लैट हो जाती है, ये फ्लैट है, बार बार आपको क्रॉप हो रही है इसका मार्केट आपको सही डायरेक्शन नहीं बता रही है। अगर आप एच फोर पे जाके देखो क्या चल रहा है, हाँ ये देखो एच फोर पे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा आपके पास एक दो दो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई ये वाली और ये इंसर्ट पर और एक ये इंसर्ट पर बड़ी प्यारी बहुत ही नीचे वाला इंसर्ट, हाँ ये बहुत बेहतरीन है इसमें, मतलब आपको मतलब दोनों दोनों सूरतों में अच्छी आपको जो है ना एंट्री वो मिली जी जी बिल्कुल। तो ऐसा कभी कभार मतलब ऐसी चीज़ों को भी डेमो पर ट्राई करना चाहिए जो कि आपकी अपनी बनाई हुई, ऐसा भी करना चाहिए आपको, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। आप एडवाइस अब अगर जो लोग रिवर्सल पकड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी एंट्री थी क्योंकि ये जो एंगल्फिंग है इसने अकेले ने इस एक दो तीन चार पाँच और इस वाली को नहीं, ये पांच कैंडल को एंगल्फ कर चुकी जी जी, तो ये खुद भी अपने अंदर एक अच्छा रिवर्सल था। ठीक है, मार्केट तो इधर ही है, कहाँ जाएगी मार्केट, आप अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करो, जरूरी नहीं है ये मार्केट अभी कर रही है बाद में भी करेगी, जरूरी नहीं है जी 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 बिल्कुल जी जी जी। अब आपको समझ में आया कि इवेंट डेटा क्या होता है जी, नहीं मैंने तो जस्ट इसको इसलिए हाईलाइट किया था कि मैंने इसके चार्ट देखा था दोपहर में कहीं अच्छा ओ गिरने से पहले अच्छा, तो मैंने मेरे ध्यान में आ रहा था क्योंकि मैं कहीं मैंने भी इसके ऊपर ना कोई लाइन ड्रॉ की हुई थी ऑलरेडी अच्छा, तो मेरे ध्यान में इवेंट एरिया चल रहा था, मैंने कहा जरा पूछ लेती है, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इवेंट एरिया इसको मैं कह सकता हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बाय द वे ये अगर ये तोड़ता है ये इवेंट एरिया तो एक अच्छी मूव रिटेस्ट के बाद अच्छा मतलब डाउन ट्रेंड दोबारा से बनेगा और नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो सच्ची बनेगा, ये पिछली दफा धोखा देके गया यहाँ से, कहाँ से, यहीं से इसी एरिया से धोखा देके नहीं गया, यहाँ पे कोई फंडामेंटल इवेंट हुआ होगा जी, नहीं इससे आगे वाला एरिया जो है ना दिल्ली के ऊपर टू द राइट कौन सा वाला, इस एरिया से तकरीबन 98.9830 से 9830 ये 70 है किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही एरिया ये एरिया ये एरिया हाँ जी, यहाँ से आपने बाय ली थी जी उस वक्त 0.4 की बाय थी, तो आपने जैसे तो है, लेकिन आप ये कह रहे हो ना कि आपको एसएल लग गया था धोखा देके, नहीं धोखा ये नहीं, पहले मैं ये कह रहा था मार्केट का जो इसने ब्रेक किया था फास्ट ब्रेक किया था, मुझे ये था कि यहाँ से सेल का पैटर्न में जाएगी, थी मेरी बाय अच्छा, उस मैं बाय से अर्ली निकल गया था अच्छा अच्छा, खैर आपको समझ में आ गया ये जो, जी जी बिल्कुल, ये जो है ये आपका इवेंट एरिया जो इसकी कैंडल्स नजर आ रही है
वो कोई बहुत बड़ा कोई मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी वाली लेकिन स्टिल एक रूरल एरिया है कह सकते हो। अगर आप 4 आवर डेली पर आओ तो आपको इवन एरिया ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। अब मतलब बताने का मतलब ये कि आप जब भी यहाँ पे मार्केट आएंगे तो ये वो करता है, ये वो करेगा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ये इवेंट एरिया है ये वाला मार्केट ने फॉल्स ब्रेक किया है ये देख रहे हो मार्केट ने ये भी फॉल्स ब्रेक किया इस एरिया का भी मार्केट ने फॉल्स ब्रेक किया था ये एरिया यहाँ से भी बाय का सिग्नल बन जाता है फॉल्स ब्रेक आपको पढ़ाया था मैंने फॉल्स ब्रेक क्या होता है जी बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है कि ब्रेक करना और आफ्टर दैट मार्केट का जी मैंने कहा ठीक है पढ़ा था बिल्कुल हमने पढ़ा था इसको अगर आप जाके देखो तो आपको नजर आएगा 4 आवर पे जाके देखो तो वहाँ पे आपको सिग्नल की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी ये वाला जी ये फॉल्स ब्रेक है सही है फॉल्स ब्रेक के बाद आपको जो एड जो सही एंट्री मिली है ना वो ये वाली एंगल पे मिली है। और एक और मैं आपको बात बताऊं अगर आप गौर से देखो ये 4 आवर्ली का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है 4 आवर्ली का पूरी 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 प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है लेफ्ट क्या बोलते हैं इसको लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर और हेड लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर और हेड हाँ ये पूरा का पूरा जो है ना 4 आवर्ली का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जिसने इसको उठा के यहाँ पे और इसकी जो एंट्री बनती थी ना वो यहाँ से बनती थी थोड़ी सी अग्रेसिव थी लेकिन स्टिल यहाँ से बनती थी यहाँ से एंगल और इसका ऐसा लेदर होता 93 94 ग्रुप का 0.95 वेट ये मतलब ये आप देखोगे ना देख देख के आपकी आंखों के सामने ये चीज़ें आ जाएंगी अब मिसाल के तौर पर इसका एसएस जो बनेगा वो ये बनेगा और इसका देखो बेसिकली जो इसका जो टारगेट होगा ना वो यहाँ से लेके नेक लाइन से लेके ये एक लाइन इसकी नेक लाइन है नहीं मैं ये बता रहा हूँ ये इसकी नेक लाइन है तो हम इसका ऑब्जेक्टिव मेजर कैसे देखेंगे कि हमारे को कितने पिप लेने हैं यहाँ पर वो यूँ देखेंगे कि नेक लाइन से लेके हेड तक का देखेंगे कितने पिप आ रहे हैं लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कम पिप बन रहा है 97 बन रहा है लेकिन स्टिल आप इसके अंदर है ना एंट्री यूँ दे सकते हो कि यहाँ से अगर आप 97 लेते हो मान भी लेते हैं आप यहाँ पर ले रहे हो SL तो आपका तकरीबन अगर ये बन रहा है आपका 180 हाँ तकरीबन 180 यहाँ पर पूरा 1-2 आवर लेके जा रहा है ये चीज़ आपको गौर करनी चाहिए मतलब फॉल्स ब्रेक तो है ही है और कॉन्फिडेंस भी बन गया है हेड एंड शोल्डर बन गया ये भी कॉन्फिडेंस जी तो ऐसा कॉन्फ्लेंस मैंने पहले नहीं बनाया लेकिन उसका आ गया और खुद अपना दिमाग लड़ाओगे ना आपको चीजों का पता चलता रहेगा अब देखो ये ब्रेकआउट हुआ इसके बाद पहला टेस्ट सेकंड टेस्ट थोड़ा सा डीप हुआ हाँ डीप भी हुआ और फॉल्स ब्रेक भी हुआ अच्छी एंट्री हाँ जी बिल्कुल और हमें एंट्री अच्छी मिल गई तो ऐसी एंट्री के लिए वेट करना पड़ता है ठीक है ये आपका ये भी आपका फॉल्स ब्रेक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ये वाला ये चीज है ये जो बना है ना ये यही चीज बनी है डेली का जो बड़ी टेल्ड बार बनी है ये एंगल्पिंग ये खुद ये बता रही है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा जो है ना ट्रेंड जो है ना बाय का आने वाला है ऐसी एंट्री के ऊपर ट्रेलिंग करना शुरू करो ट्रेलिंग समझते हो हाँ जी एसएल को हाँ एसएल यहाँ आ जाएगा फिर मार्केट दोबारा डिप बनाएगी डिप बनाने के बाद यहाँ आ जाएगा फिर दोबारा डिप बनाएगी मार्केट यहाँ लेगा फिर ये अगेन टिप बनाएगी इसके 2 फुट पीछे यहाँ रखो फिर अगेन टिप बनाएगी यहाँ रखो फिर टिप बनाएगी इधर रखो फिर यहाँ से फिर यहाँ पे टिप बनाया यहाँ रखो और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे टिप बनाया इधर रखो तो आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया ये
जी सर, मैंने उसकी वीडियोस देखी थी। बहुत अच्छा बच्चा है वो, बहुत अच्छे तरीके से समझाता है वो। उसकी चीजों को सुना करो, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन सुना करो। ठीक है, समझ गए, बात समझ आ गई। जी 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 सर, अभी मैंने एक और नई चीज सीखी है, उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब जैसे के जैसे ये 4 आवर है, अब 4 आवर टी के ऊपर जो आपकी चौकी मार्केट हो जाती है, अगर तो छोटा एसएल बनाया सकता है, जैसे ये बन रहा है जिसकी बात, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। इसके लो है और इसके एसएल इसका हाई, ये भी एक अच्छी एंट्री नजर आ रही है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी में सिखाऊंगा जब ये प्रॉपर फाइनल कर दूँ उसके बाद। ठीक है, और ये भी मतलब ट्रेंड के साथ ले सकते हैं, सिल भी ले सकते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया आपको? जी सर। सही है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर इंशाल्लाह जो है कल बात करते हैं। और कल जो है वो आप जी 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 आपको पढ़ाया जाएगा, आपका अल्लाह बड़ा करेगा, आपका होगा गेज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ये दो हमारी स्ट्रेटेजी हो जाएगी, फिर हम चलेंगे कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस के ऊपर चलेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा आएंगे हम, आपका अल्लाह बड़ा करेंगे, आपका आएंगे फिर मनी मैनेजर। ठीक है, ठीक हो गया।